कम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसिस के एडवांस कोर्स की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों, पिछली चंद वीडियो से हम बात करते आ रहे हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन की, डिग्रीज ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन की। सबसे पहले हमने बात की थी एक्सटर्नल मॉडल में, जिसमें हमने देखा था कि तो वो एक्सटर्नल मॉडल सबसे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन होती थी, जिसके अंदर हम एंड यूज़र व्यूज़ को देखते थे। उसके बाद हमारा जाता था कंसेप्चुअल मॉडल, ठीक है, यानी जिसमें थोड़ी सी एक्सटर्नल मॉडल से थोड़ी सी कम एब्स्ट्रक्शन होती थी, लेकिन वो डिज़ाइनर व्यू को फोकस करता था कि डिज़ाइनर किस तरीके से हमारे डेटाबेस को देखता था। उसके बाद हमारा इंटरनल मॉडल आता था, जिसकी एब्स्ट्रक्शन मज़ीद कम हो जाती थी कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल मॉडल से। तो उस मॉडल को हम उसके अंदर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से हमारी डेटाबेस को देखता था, वो कवर करते थे। उसके बाद हमारा जाता था फिजिकल मॉडल, ठीक है। फिजिकल मॉडल क्या होता था? फिजिकल मॉडल पर आज हम बात करेंगे कि फिजिकल मॉडल कैसे होता है, हमारा डेटा फिजिकली किस तरीके से स्टोर होता है। तो ये सबसे कम एब्स्ट्रक्शन पर होता है, लेकिन यहाँ मैं बताता चलूँ कि पिछले कोई हार्डवेयर पर डिपेंडेंट था, कोई डिपेंडेंट था, कोई सॉफ्टवेयर से पर डिपेंडेंट था, या कुछ दोनों पर इंडिपेंडेंट थे, लेकिन ये जो आज हम बात करने जा रहे हैं, ये दोनों पर डिपेंडेंट है। इसमें किसी पर से भी इस इंडिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमने इन्हें एक्सटर्नल मॉडल में देखा था कि एंड यूज़र का व्यू होता था, जिसके अंदर हर यूज़र के हिसाब से डेटा शो हो रहा था। उसके बाद हमने बात की थी कंसेप्चुअल मॉडल, जो कि तमाम व्यूज़ का एक मजमू था या एक कलेक्शन थी, यानी जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि तमाम व्यूज़ एक मर्ज हुए पड़े थे, यानी डिज़ाइनर का व्यू था। उसके बाद हमने बात की थी इंटरनल मॉडल, ठीक है। इंटरनल मॉडल में हम लोगों ने देखा था कि वो इस तरह का कंसेप्चुअल मॉडल को डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के हिसाब से मैप करता था। तो उसके अंदर हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का व्यू देखा था, तो वो हमने देखा था एसक्यूएल में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी डेटाबेस या हमारे कंसेप्चुअल स्कीमा को देखा जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल मॉडल की, ठीक है। तो फिजिकल मॉडल जो सबसे नीचे है, ठीक है, तो इस पर बात करते हैं। तो फिजिकल मॉडल क्या होता है? इट्स अप्रेट एट लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन, यानी एब्स्ट्रक्शन में सबसे कम है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा हमें डिटेल शो होती है, यानी यूज़र के पास या जो बंदा फिजिकल मॉडल को डील कर रहा होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल होती है। एब्स्ट्रक्शन सबसे कम लेवल पर होती है। इट्स डिस्क्राइब्स द वे डेटा स्टोर इन स्टोरेज मीडिया, यानी इसके अंदर हमें पता चलता है कि हमारा स्टोरेज मीडिया के अंदर डेटा किस तरीके से स्टोर है, ठीक है, जिसमें हमारी मैग्नेटिक या सॉलिड स्टेट या ऑप्टिकल जो हमारे स्टोरेज मीडियाज हैं उनके अंदर हमारा जो डेटा है किस तरीके से स्टोर है। इट रिक्वायर्स डेफिनेशन ऑफ बोथ फिजिकल स्टोरेज एंड एक्सेस मेथड, यानी जैसा कि हम पिछले लेवल्स पर बात करते रहे जा रहे थे, जिसके अंदर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी स्टोरेज या फिजिकल स्टोरेज के बारे में या उसके एक्सेस मेथड की, लेकिन इसमें हमें चूंकि एब्स्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो हमें इस तरह की डिटेल भी चाहिए होती है। और यहाँ मैं बताते चलूँ कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर डिपेंडेंट है, यानी ये किसी पर इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे स्टोरेज के स्ट्रक्चर हैं, हमारा डेटा किस तरीके से स्टोर है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जिसमें हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है, और स्टोरेज डिवाइसेज, ठीक है, उनको कंप्यूटर हैंडल करता है, ठीक है। तो ये इन दोनों पर ये डिपेंडेंट है। इन ऑर्डर टू प्रिसाइजली डिफाइन फिजिकल मॉडल, डेटाबेस डिजाइनर मस्ट हैव डिटेल नॉलेज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी अगर हम फिजिकल मॉडल पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो डेटाबेस डिजाइनर को डिटेल नॉलेज होना चाहिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, ठीक है। और उसके बाद यानी अगर उसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं होगा, तो वो तो हमारे जो फिजिकल मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगा, यानी इंटरनल मॉडल से फिजिकल मॉडल पे उसे कन्वर्ट करने में बड़ी मुश्किल आएंगी, ठीक है। तो पुराने जो मॉडल थे, जो डेटा मॉडल थे, यानी रिलेशनल डेटा मॉडल से पहले पहले, ठीक है, तो उसमें इस तरह करना पड़ता था, इस पर कुछ ज़्यादा डिटेल डेटाबेस डिज़ाइनर को करनी पड़ती थी। लेकिन रिलेशनल मॉडल्स नाउ वट इज एम एट लॉजिकल लेवल रादर देन फिजिकल लेवल, लेकिन रिलेशनल मॉडल पर आजकल इतनी डिटेल, यानी फिजिकल लेवल की डिटेल इतनी ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, यानी आप बहुत कम नॉलेज के साथ भी ये सारा कुछ कर सकते हैं, यानी आजकल चीज़ें लॉजिकल हो गई हैं, ठीक है। तो अगर आपको हार्डवेयर का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है या इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपको इतना ज़्यादा नॉलेज होना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल मॉडल और इंटरनल मॉडल के दरमियान एक फिजिकल इंडिपेंडेंस थी। तो फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या थी? व्हेन यू चेंज फिजिकल मॉडल विदाउट अफेक्टिंग इंटरनल मॉडल, यू हैव फिजिकल इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो यानी आप अगर फिजिकल मॉडल में चेंज लिया है, लेकिन इंटरनल मॉडल को बगैर छेड़े अगर आप चेंज लिया आते, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास फिजिकल इंडिपेंडेंस है। तो यानी
फिजिकल अगर इंडिपेंडेंस है तो अगर आप इस तरह करते हैं स्टोरेज डिवाइसेज उनके एक्सेस मेथड या ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करेंगे तो टेथर मॉडल चेंज नहीं होगा, तो ये फिजिकल इंडिपेंडेंस होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की थी फिजिकल मॉडल, यानी हमने अपने लोएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर पर बात की थी, जिसके अंदर हमने स्टोरेज मीडिया पे हमारा डेटा किस तरीके से स्टोर होता है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे किस तरीके से कौन कौन से एक्सेस मेथड्स हैं, वो सारा कुछ हमने उस पर थोड़ी सी बात की थी कि फिजिकल मॉडल इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर डिपेंडेंट होता है। जो हमारे स्टोरेज स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, वो हमारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट होता है, जबकि जो हमारा हार्डवेयर है या हार्डवेयर डिवाइसेज स्टोरेज डिवाइसेज हैं वो कंप्यूटर उनको मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम फिजिकल मॉडल पुराने डेटा मॉडल्स को देखें, जैसे कि नेटवर्क मॉडल है या हायरार्किकल मॉडल है, उसके अंदर हमें डेटा जो यानी फिजिकल जो हमारा हार्डवेयर है या उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए या सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन जो हमारे रिलेशनल डेटा मॉडल्स हैं वो आजकल फिजिकल लेवल्स की बजाय इस तरह कर रहे हैं, रिलेशनल लेवल पर कवर कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इस तरह की डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने फिजिकल मॉडल पर एक शॉर्ट सी ओवरव्यू किया, ठीक है, चूँकि बहुत सारे जो रिसर्चर हैं या बहुत सारे जो लोग हैं वो फिजिकल मॉडल को इतना अकाउंट में नहीं लेते, क्योंकि आजकल इसका कंसेप्ट ऑब्सोलीट हो गया था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ टॉपिक मैंने इसको कवर किया, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम रिलेशनल डेटा मॉडल पर थोड़ी सी टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कि रिलेशनल डेटा मॉडल कैसे होते हैं और रिलेशनल डेटाबेस किस तरीके से बनती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।